कैसे? क्या कहा डॉक्टर ने उनके बारे में? मालिक वो ठीक तो हो जाएंगे ना? राधे राधे राधे, है कौन है राधे? एक दो टके का नौकर है वो मेरा, मेरे और तुम्हारे बीच में उसका नाम भी मुझे मंजूर नहीं है। एक बार उसने गलती की थी तुम्हें छूने की, जानती हूँ ना मैंने क्या किया था उसके साथ, और अब भी अगर मैं चाहूं तो उसे छोड़, अब उन्हें छोड़ दो ये पागलपन, निकाल दो उसका ख्याल अपने दिमाग से। अरे वो जिए है मरे, हमें क्या फर्क पड़ता है? लखनऊ का गण राधे एक ऐसी कठपुतली है जिसका नाच हो चुका है, उसे नचाकर मुझे जो पाना था मैं पा चुका हूँ। वो मेरी वजह से तुम्हारे साथ मर भी जाए ना तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हूं ना। नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। राधे की वजह से और उनके लिए ही मैं यहाँ हूँ। उनका जीना उनका मरना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बोलिए ना मालिक, वो ठीक तो है ना? कैसी लड़की हो तुम अमोली, अपने और पराए में फर्क ही समझती? यहाँ मैं तुम्हारे लिए अपनी जान आधी कर रहा हूँ, परसों की दोस्ती तोड़कर दुश्मनी मोल ले रहा हूँ, और तुम अभी भी राधे में अटकी हुई? अरे यहाँ मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, और तुम्हें तुम्हें राधे की चिंता सता रही? इसे एहसान फरामोशी कहते हैं मुझे? नहीं मालिक, ये मेरा धर्म है। मेरी शादी हुई है उनसे, उनके नाम का सिंदूर है मेरे माथे पे, उनकी सांस से सिर्फ उनका ही नहीं मेरी भी जिंदगी जुड़ी हुई है। बोलिए ना मालिक, कैसे है वो? फिर वही बात, यहाँ मैं तुम्हारी खुशहाली पूछ रहा हूँ, तुम्हें उसकी खुशहाली की पड़ी हुई? अच्छा अगर वो मरी जाती, क्योंकि उसके मरने के बाद तुम मेरी हो जाओ, सिर्फ मेरी। नहीं मालिक, राधे नहीं मर सकते, हमारे रिश्ते की सलामती भगवान भी चाहता है, इसीलिए तुम्हें जिंदा रखा है, और भगवान ना करे उन्हें इस बीच कुछ हो भी जाता है तो भी मैं सिर्फ उनकी विधवा कहलाऊंगी, सिर्फ उनकी विधवा। तुम्हारे कहे के मुताबिक मैं तुमसे दूर रहा, मैंने अपना वादा निभाया, और अब तुम्हारी बारी है, और मैं जानता हूं कि तुम पीछे नहीं हटोगे।